पागल है, अरे पागल स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री कालीचरण यादव गांव बुढ़ाना बने उनके सपुत्र हैं दादा श्री मुरारी लाल यादव जी, जिन्होंने आकर के मेरे गले में 200 गोटे का माला अर्पण किया है और ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद मैं व्यासपीठ से अपने सिरोधार रखना चाहता हूँ। ऐसे बड़ों के आशीर्वाद की सर्वदा में कामना करता हूँ। बोलो गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी बोले हैं राजन परीक्षक, जब भगवान कन्हैया ने आपको उंगली पे धारण कर दिया, सभी ग्वाले वाले आ गए, गोलियां बछड़ा तो हमी अमर किया मेरे देने को लेके पहाड़ के नीचे, क्या तुम लोग ये हमने आराम कर ले, हाँ ठीक है हम रोके हुए, जो भगवान ने उंगली नीचे को करी सोई के साथ भगवान नीचे आने लगे, मत मार के रोक भैया रोक 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 सब मत यहाँ के रोक रोक, अरे भगवान ने ऊपर हाथ कर दिया। तब तक राधा रानी के ऊपर भगवान की नजर पड़ी, तो जो राधा रानी पे नजर पड़ी सोई गोवर्धन वालों हाथ जो थो वो हिल गो, मनसो का कान लगो और ही राधा ने के पिछेला को हरिया का सबकी छबी बदमान आई है पिछेला, अरे भगवान बोले जे ना जानते भैया जाए तो बिल्कुल ज्ञान नहीं मिलती, कन्हैया कहने लगे मनसो भैया तुम एक बात नहीं जानते हो क्या, हम क्या कर रही है, क्या बोल रही है, ये बूंद जलाती जाती है केवल आपके इशारे से, ये बूंद जलाती कि तब तो माता बहनाएं जी हमारी भोजन बनाती हैं और भोजन बनाने से पहले चूल्हे पर तवा रख देती हैं, आग नीचे जला देती हैं, फिर आटा लगाने को अंदर जाती हैं और आटा लगा के लौट के आती हैं, फिर देखती हैं तव भाव के नाय भाव ऐसे करके पानी मारो वो छुन करके उड़ जाए, ये पहाड़ की हालत है। आते आते कोई साथी है।
सात दिन तक ये मूसलाधार वृष्टि हुई, लेकिन ब्रज पे एक पानी की बूंद नहीं आई। और वैसे इसके कई प्रमाण मिलते हैं। एक तो प्रमाण मिलता है, भगवान राम ने त्रेता युग में, लेकिन आज उनके नहाने का ढंग स्वामी कुछ अलग था। क्या? सब गोपियों ने अपने वस्त्र उतार के किनारे से रख दिए, चीर चुनरिया लहंगा और भगवान का नैया चुपका आए। गोपी जल में लगे अवस्था में स्नान कर रही हैं और भगवान का नैया ने सबके चीर चुनरिया लहंगा उठाए, कदम के पेड़ में चढ़ गए, डाल डाल बच्चे लटकाए रहे उन पत्थर में छुप के बैठ गए। अब तो थोड़ी देर बाद गोपियों का ध्यान गया घाट की तरफ, किनारे की तरफ। तो गोपियों का छूटा ध्यान योग इसका मतलब है भगवान उस समय भी बिना बुलाए नहीं आए। ध्यान योग, योग हम किसे कहते हैं? दो चीजों के मिलन को कहते हैं योग। भगवान को कहते हैं ये करना, संतों का समागम कराना,